बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम एक नए लेक्चर के साथ अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं और इस लेक्चर के अंदर हम एक नए कॉन्सेप्ट को जानेंगे जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आने वाले लेक्चर्स के लिए बहुत ज़्यादा उसकी अहमियत और इम्पॉर्टेंस है। लेक्चर का नाम है, टॉपिक हमारा गाज़ेज़ लॉ है और गाज़ेज़ लॉ बहुत सारी एप्लीकेशन के अंदर अपनी इम्पॉर्टेंस जो है वो ज़ाहिर करता है। बहुत सारी ऐसी जगह, बहुत सारी ऐसी शेप जिनकी डिस्ट्रीब्यूशन हमें समझ नहीं आ रही होती, लेकिन वहाँ पे गाज़ेज़ लॉ अप्लाई करने से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू जो है वो अच्छे तरीके से फाइंड आउट कर लेते हैं। इस चैप्टर के अंदर हम डिफरेंट तरह बॉडीज़ के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो निकालते हैं। बेसिक हमारा कंसर्न इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ ही होता है, हम उसकी वैल्यू को ही निकालने के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सहारा लेते हैं। आपको याद होगा मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब टॉपिक पढ़ाया था तो उसके अंदर मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन करना आपको सिखाई थी। अब आज हम गाज़ेज़ लॉ जो है उसको देखते हैं। गाज़ेज़ लॉ बेसिकली हमें नज़र तो आता है कि जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करता है, लेकिन इसकी जब हम एप्लीकेशन में जाते हैं तो हमें पता चलता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को फाइंड करने के लिए बनाया गया था। ये फिज़िक्स के मोस्ट फंडामेंटल लॉज के अंदर इसका शुमार होता है। जिस तरह आप गाज़ेज़ लॉ के बाद एम्पियर्स लॉ पढ़ेंगे, फैराडेज़ लॉ पढ़ेंगे, या आप किसी और इससे रिलेटेड लॉज को और डिस्कस करते हैं, तो जो मोस्ट फंडामेंटल लॉज हैं उनके अंदर इसका शुमार होता है। गाज़ेज़ लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को डील करता है, एम्पियर्स लॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को डील करता है, जबकि फैराडेज़ लॉ मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक करंट निकालने को डील करता है। और इन लॉज को मिलाकर हम कुछ मैक्सवेल इक्वेशन जो हैं उसको बनाने में कामयाब होते हैं, जिससे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनाने में कामयाब हो जाते हैं। तो ये था एक सफ़र, जिस सफ़र का आगाज़ गाज़ेज़ लॉ से होता है, यानी इसने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में हमें आगाही जो है वो फ्राहम की। किस तरह से इसने अपनी फॉर्मेशन की है या किस तरह से ये गाज़ेज़ लॉ हमारी हेल्प करता है टू फॉर्मुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो वो आज के आर्टिकल के अंदर हम देखते हैं। तो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसकी डेफिनेशन जानते हैं कि ये क्या डिफाइन करता है। ये गाज़ेज़ लॉ, द फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इनके अल्फाज पे गौर कीजिएगा, थ्रू एनी क्लोज सरफेस विल बी इक्वल टू वन ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज enclosed in it। ये है जी इसकी डेफिनेशन कि किसी भी क्लोज सरफेस से निकलने वाला जो फ्लक्स है वो वन ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज enclosed inside the surface। अगर हम इसका फॉर्मूला लिखें तो हमें पता चलता है phi is equal to 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स क्यू, और क्यू को हम डिफाइन करते हैं टोटल चार्ज इनक्लोज इनसाइड सरफेस। तो सरफेस के अंदर जितना चार्ज मौजूद है ये उसके बराबर होगी। इसकी डेरिवेशन हम लास्ट आर्टिकल क्लोज सरफेस में पढ़ चुके हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक क्लोज सरफेस है, वो किसी भी शेप की हो सकती है। इट डजंट मैटर कि वो स्फेरिकल हो, इट डजंट मैटर कि वो सिलेंड्रिकल हो,
इट मे एनी काइंड ऑफ सरफेस बट वो क्लोज होनी चाहिए. तो क्लोज सरफेस के अंदर मौजूद डिफरेंट चार्ज पार्टिकल्स हैं Q1, Q2, Q3 एंड सो ऑन Qn तक. तो हमारे पास इस फ्लक्स का जो फॉर्मूला हमने लास्ट टाइम ड्राइव किया था वो था phi इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट Q1 प्लस Q2 सो ऑन Qn तक. और Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 सो ऑन Qn तक, ये सारे चार्जेस वो चार्जेस हैं जो उस क्लोज बॉडी के अंदर मौजूद हैं, डेट इज इक्वल टू Q. फाइ इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट इनटू द टोटल चार्ज Q. ये फार्मूला इसका लास्ट टाइम लास्ट आर्टिकल के अंदर एक्चुअली में ड्राइव हो चुका था, तो वही हमने यहाँ पे उसको लिख दिया. फर्स्ट ऑफ ऑल तो बेटे इस बात के ऊपर गौर कीजिए कि गाज़ेस लॉ एक्चुअली में एक क्लोज सरफेस के लिए ही बनाया गया है. इट इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर अ क्लोज सरफेस. ये बात आपने हमेशा याद रखनी है. यानी लिमिटेशंस हैं, ऐसा नहीं है कि आप इसको अनलिमिटेड अप्लाई कर सकते. ये फ्लक्स का दूसरा फार्मूला है, इसकी तरतीब भी आपने देखनी है. जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी आपने दो फार्मूलों से पढ़ी है. पहला फार्मूला उसका था इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू, जो के फोर्स से डिफाइन होता है. फिर उसी का स्पेशल केस था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर अ सिंगल चार्ज, इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर. ये थी सिंगल चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड. अब साथ रिस्ट्रिक्शन लग गई. आप इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू नॉट को डिफाइन कर सकते हैं फॉर एनी काइंड ऑफ चार्ज बॉडी, कि उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये होती है. लेकिन जब स्पेशल केस में जाएंगे तो सिंगल चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर के बराबर आएगी. ये स्पेशल केस बन गया. यानी स्पेशल केस के लिए एक रिस्ट्रिक्शन लग जाती है. तो इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर उस वक्त अप्लाई होगा जब सिंगल चार्ज की बात की जाएगी. ये किसी और बॉडी के लिए कभी कतन अप्लाई नहीं हो सकता. ठीक है, जनरल फार्मूला एफ ओवर क्यू नॉट जो है ये आप किसी भी चार्ज बॉडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं. ये स्पेशल केस नहीं है, ये जनरल. इसी तरह से जब हम बात करते हैं कि फ्लक्स से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन करना, तो ये भी एक स्पेशल केस है. ये सिर्फ उस वक्त एप्लीकेबल है जब आपके पास वेक्टर एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, तो जितनी फील्ड लाइंस उसमें से पास करेंगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बराबर आएंगी. ये भी एक स्पेशल केस बन गया. इसी तरह आप फ्लक्स के बात अब करते हैं. अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को छोड़ के फ्लक्स के ऊपर आ जाते हैं. फ्लक्स का एक फार्मूला आपने लास्ट टाइम जो है वो पढ़ा था, जो कि बराबर था phi इज इक्वल टू E.A, जिसको हमने डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया A का कहा था. बट इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर प्लेन सर्फिस, नॉट फॉर अ क्लोज सर्फिस और कर्व सर्फिस. याद रखिएगा इस बात को. तो इस तरह phi इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट क्यू या क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर अ क्लोज सर्फिस और चार्ज उसके ऊपर ना हो बल्कि चार्ज उसके अंदर बंद हो. ये दूसरी शर्त है इसकी. तो इस इनके अंदर जो जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो आपने साथ याद रखनी होगी. हर फार्मूले की एक रिस्ट्रिक्शन है. ये शुरू में आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन जब ये याद हो जाएंगी तो आगे अप्लाई करना आसान हो जाएगा. और फिर थ्रू आउट ईयर या आप इंटर टेस्ट तक जाएंगे तो ये कभी भी आपको परेशान नहीं करेंगे. ये छोटी छोटी कंडीशंस अपनी बुक पे बेशक लिख लेंगे कौन सा कब अप्लाई होना. ठीक है, जब आप रिवाइज कर लेंगे इसको अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा, तो ये बाद में पूरा साल आपको कभी दिक्कत नहीं देगा. मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी का जो सिलेबस है ये हमें मुश्किल लगता है, लेकिन अगर हम इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझ लें तो ये हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता. तो ये चीज़ बेटे आपको पता चल गई कि दो फार्मूले हैं फ्लक्स के. phi इज इक्वल टू E.A, ये अप्लाई किया जाता है फॉर अ प्लेन सरफेस, नॉट अ कर्व सरफेस, नॉट अ क्लोज सरफेस. और phi इज इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट, ये अप्लाई किया जाता है फॉर अ क्लोज सरफेस.
ठीक है, ओपन सरफेस के लिए नहीं, क्लोज सरफेस, और चार्ज इनसाइड अ क्लोज सरफेस होना चाहिए, ये उस वक्त अप्लाई किया जाएगा, अदरवाइज इस फार्मूले को हम कभी भी अप्लाई नहीं कर सकते, ये इसके लिए कंडीशन है। ये था गाजेज लॉ। अब हम इस गाजेज लॉ को इस्तेमाल करते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करने के लिए हमें इसकी एप्लीकेशंस के ऊपर जो है वो गौर करना होगा कि किस किस तरह से हम इसको अप्लाई करके कौन कौन से स्टेप यूज करके हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि बच्चों आप लोगों को मैंने बताया था कि गाजेज लॉ एक बेसिक फंडामेंटल लॉ है, और इसको यूटिलाइज करके आप अपनी डिफरेंट काइंड्स की एप्लीकेशंस को सॉल्व कर सकते हैं, यानी उसका सॉल्यूशन निकाल कर आप उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू तक पहुंच सकते हैं। तो उसके लिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स जो हैं वो लेने पड़ते हैं, और वो स्टेप्स ही हम फॉलो करके अपनी डिज़ायर एप्लीकेशन जो है उसमें डिज़ायर वैल्यू तक, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू तक पहुँच सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तक फ्लक्स के जरिए पहुंचना बहुत आसान है, और ये आसान किया किसने, ये गाजेज लॉ ने आसान किया। इसने कुछ स्टेप्स हमें ऐसे दिए, ये स्टेप्स आप अपनी बुक में लिखिएगा, उन स्टेप्स से हमें ये काम करना आसान हो गया है। तो आइए देखते हैं जी एप्लीकेशंस ऑफ गाजेज लॉ। एप्लीकेशन ऑफ गाजेज लॉ। We can calculate electric field intensity using गाजेज लॉ। वी शुड टेक द फॉलोइंग फाइव स्टेप्स। बेटे ये जो पांच स्टेप्स मैं अभी लिखाने वाला हूं, ये पांच स्टेप्स वो हैं जिनको आप तरतीब से अप्लाई करते जाएंगे, और आप किसी भी तरह की एप्लीकेशन के लिए, किसी भी तरह की बॉडी के लिए, बेशक वो ओपन हो, बेशक वो क्लोज हो, बेशक वो स्ट्रेट हो, बेशक वो प्लेन हो, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना इतना ज़रूरी क्यों है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप अभी तक सिर्फ एक सिंगल चार्ज की निकाल सकें। जनरल फार्मूले तो आपके पास हैं, लेकिन जनरल फार्मूले हमें एक रास्ता बताते हैं, वो जनरल फार्मूले हमें डिज़ायर वैल्यू तक जो है वो पहुंचाते तो हैं, लेकिन उसके लिए जैसे आपको याद होगा हमने इलेक्ट्रिक फील्ड वाले टॉपिक में सिंगल चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तक पहुँचे थे, ठीक है। अब वो फार्मूला आपको किसी इररेगुलर शेप बॉडी के लिए हेल्प नहीं करेगा, उसके लिए गाजेज लॉ हेल्प करेगा। तो किसी भी बॉडी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो हमें निकालना होती है, उसके लिए गाजेज लॉ यूज़ करेंगे। लेकिन बात वहीं पे आ जाती है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड क्यों हैं? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इससे अगला आर्टिकल जो है इससे जन्म लेता है, जो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये जितना कुछ हम पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, इलेक्ट्रिक फोर्स जिसे कूलम फोर्स कहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सारा कुछ एक्चुअली में पोटेंशियल पढ़ने के लिए कर रहे हैं। और पोटेंशियल क्यों इसलिए ज़रूरी है? क्योंकि हमारी जितनी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है या चार्जेस फ्लो होते हैं वो पोटेंशियल की वजह से ही होते हैं। इसलिए हमें हर किस्म की बॉडी का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसको फाइंड करने के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की ज़रूरत पड़ती है, और उसके लिए हमें हेल्प कौन करता है? उसके लिए हमें हेल्प करता है बेटे गाजेज लॉ। तो ये पांच स्टेप्स एक्चुअली में हमें हेल्प करते हैं जो गाजेज लॉ ने दिए थे। इसलिए इस गाजेज लॉ की एप्लीकेशन जो है वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो रखती हैं। तो आइए उनको देखते हैं, जिसमें पहला स्टेप ये है, नंबर वन, के इमेजिन
इमेजिन अ क्लोज गाजियन सरफेस एक क्लोज गाजियन सरफेस इमेजिन कीजिए कहां पर वेयर यू वांट टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जहां पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना चाहते हैं उस जगह पर एक इमेजिनरी क्लोज सरफेस जो है वो इमेजिन कर लीजिए। इसका मतलब ये होगा कि हर जगह पे हमारी सरफेस क्लोज नहीं होगी जिसके लिए हम एप्लीकेशन ढूंढ रहे हैं या जिसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी। अगर क्लोज सरफेस नहीं है तो वहां पर इमेजिन कर लीजिए क्लोज सरफेस। रीजन क्या है? क्योंकि हम गाजेज लॉ अप्लाई करने वाले हैं और गाजेज लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर अ क्लोज सरफेस। गाजेज लॉ क्लोज सरफेस के लिए अप्लाई किया जाता है। नंबर टू, आपको गाजेज लॉ की डेफिनेशन तो याद ही होगी, वन ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज इनसाइड अ क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस के अंदर बंद चार्ज जो है उसके ऊपर उसका फ्लक्स डिपेंड करता है। तो हम इसमें कहते हैं कि फाइंड नंबर टू में फाइंड चार्ज इनसाइड द गाजियन गाजियन सरफेस। किसी भी गाजियन सरफेस जो आपने वो इमेजिन की है, इमेजिनरी गाजियन सरफेस है, उस इमेजिनरी गाजियन सरफेस के अंदर जो चार्ज है उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर ले। यह हमारा दूसरा स्टेप है। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमने गाजियन लॉ अप्लाई करना है और उसके लिए हमें चार्ज की जरूरत है। एक्चुअली में अगर आप देखें तो ये स्टेप्स वही हैं जो गाजियन लॉ की डेफिनेशन थी। गाजियन लॉ की डेफिनेशन में जो जो अल्फाज यूज किए गए उसको एप्लीकेबल बनाने के लिए आपने उनको स्टेप में कन्वर्ट कर दिया। गाजियन लॉ की डेफिनेशन थी कि फ्लक्स आउट ऑफ अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू आउट ऑफ अ क्लोज सरफेस। तो इसका मतलब है गाजियन लॉ इज एप्लीकेबल फॉर अ क्लोज सरफेस, इसलिए आपने एक क्लोज सरफेस इमेजिन कर ली। इज इक्वल टू वन ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज इनक्लोज इनसाइड अ क्लोज सरफेस। तो चार्ज की जरूरत थी, जो चार्ज इनसाइड आपने क्लोज सरफेस के दूसरे स्टेप में फाइंड कर लिया। नंबर थर्ड है कि हमें अप्लाई करना है, अप्लाई गाजियन लॉ, और गाजियन लॉ क्या होता है? फाई इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब ये हुआ कि हमने फ्लक्स फाइंड कर लिया। ये तीसरा स्टेप हो गया। याद रखिए कि आपकी डिजायर वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, फ्लक्स नहीं है, फ्लक्स आपको मिल गया। अब इसके बाद जो चौथा पॉइंट है वो बेटे कि अप्लाई फॉर्मूला फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए एंड फाइंड फ्लक्स। आप ई डॉट ए लगाकर फ्लक्स फाइंड करें, लेकिन आपको याद है कि ई डॉट ए इज एप्लीकेबल फॉर अ प्लेन सरफेस, लेकिन हम यहां पे तो क्लोज सरफेस इमेजिन कर चुके हैं जो कि हमारे पास प्लेन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो उसका आसान को लिया है कि अगर आपकी सरफेस प्लेन नहीं है और आपने ई डॉट ए लगाना है तो उसका बेहतरीन हल है कि आप अपनी सरफेस को छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड कर लें। जब आप अपनी सरफेस को छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड करेंगे तो हर पैच प्लेन बन जाएगा और उस प्लेन सरफेस के ऊपर आप फाइज इक्वल टू ई डॉट ए लगाकर फिर आप टोटल फ्लक्स जो है उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, इसको हम कहते हैं बाई पार्ट्स कर लेना। जैसे लेट सपोज दैट कि आपके पास फुटबॉल है, वो क्लोज सरफेस है। अब फुटबॉल अगर आप देखें तो छोटे छोटे पैचेस से मिलकर बना है, तो हर पैच को अगर आप बहुत करीबी से देखें तो वो एक प्लेन सरफेस नजर आती है। ठीक है, इस तरह हर पैच के ऊपर अलग अलग फाइज इक्वल टू ई डॉट ए लगाकर आप क्या फाइंड कर लें
अपना फ्लक्स फाइंड कर लें। अब ये दो फ्लक्स आ गए हैं हमारे पास, एक फ्लक्स इस फॉर्मूले से इक्वेशन नंबर वन से, और ये भी फ्लक्स उसी बॉडी के लिए इक्वेशन नंबर टू से। फिर लास्ट में हम क्या करेंगे कि कंपेयर करेंगे इन दोनों फ्लक्स की वैल्यूज को, ठीक है। तो उसमें से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ए इधर फ्री होगा, ए उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट हो जाएगी। तो हम पांचवा स्टेप इसके लिए करते हैं कि कंपेयर द अबव इक्वेशंस, इक्वेशंस वन एंड टू वी हैव, ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इन दोनों को कंपेयर करो और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर लो। ये था जी आज का लेक्चर। आगे हम इसकी डिफरेंट तरह के एप्लीकेशंस के ऊपर ये पांच स्टेप्स जो है वो अप्लाई करके देखेंगे और इनसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तब तक आप इन पांच पॉइंट्स को अच्छे तरीके से अपने जहन में बिठा लें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।